जी दिख रहा है ना साहब? हाँ जी साहब दिख रहा है। चलो एक मैं शुरू कर दूं। शुरू कर दूं क्या? जी कर दो शुरू, मैंने म्यूट कर लिया था ना। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. منقطع، منقطع لفظ قطع سے نکلا ہے، قطع کا مطلب ہوتا ہے تعلقات کو توڑ دینا، چین کو کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں منقطع. ہم کال پر بات کرتے ہیں، जब हम कॉल को काटते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कता कर लिया, यानी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया. या रस्सी से हम दूसरी जगह बांधते हैं और वो टूट जाती है तो कता ताल्लुक हो जाता है. इसीलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज़्यादा कता ताल्लुक करे. यानी 3 दिन के दरमियान मुसलमान को बोल लेना चाहिए अगर उससे लड़ाई झगड़ा है. और बाज़ रिवायत में आता है कि वो कयामत के दिन जहन्नम की खुशबू भी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जिसने 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से क़ता ताल्लुक़ किया. तो क़ता यानी तोड़ देना. ये था लुग़वी एतबार से. इस्तिलाह में मुनक़ता हदीस क्या है इसको हम जानते हैं. हर वो हदीस को मुनक़ता हदीस कहते हैं जिसमें इनक़िता पाया जाए, चाहे वो इनक़िता सनद की स्टार्टिंग में हो या सनद के बीच में हो या सनद की एंडिंग में हो, उसको इनक़िता यानी मुनक़िता हदीस कहा जाता है. जो मुनक़िता होगा तो उसके अंदर ही इनक़िता होगा. जैसे कि मुरसल है तो उसके अंदर इरसाल होगा, मुनक़िता है तो उसमें इनक़िता होगा. यानी कोई ना कोई रावी गायब होगा, कोई ना कोई रावी गायब होगा, स्किप होगा, या फिर तारीख़ के एतबार से या ज़माने के एतबार से. तो उसको मैं वजाहत कर देता हूँ कि तारीख़ और ज़माने के एतबार से क्या है. मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला चीज़ को हमसे बताया, तो हम कहेंगे कि भाई जिससे उन्होंने ये हदीस सुनी, जिस सहाबी से, क्या उस सहाबी से इनका मिलना साबित है, यानी उनसे लिका जिसको कहते हैं लिका यानी मुलाकात साबित है. अगर वो कहता नहीं तो ये इनक़िता हो गया. फिर हम पूछें क्या समा साबित है यानी सुनना, कि नहीं साबित है तो ये भी इनक़िता हो गया. या ये पूछेंगे कभी उस हदीस को जो है उनकी मजलिस में बैठकर सुना है कि नहीं सुना, तो ये भी इनक़िता हो गया. ये है समात के एतबार से, ज़ात के एतबार से और लिका के एतबार से. और पूछा भी जाता है क्या तुमने उन शख्स को देखा है जिसके ताल्लुक से आप ये हदीस बयान करते हैं, तो अगर वो कहता है कि ला युद्रिक हमने नहीं देखा, तो समझ जाइए ये भी इनक़िता की एक किस्म है. तो इनक़िता की कितनी किस्म हुई? 3. समा यानी उससे सुनना साबित ना हो, लिका यानी मुलाकात साबित ना हो, और इदराक यानी उसको देखा ना हो. जब कोई मुहद्दिस किसी रावी के ताल्लुक से कोई हदीस बयान करे, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने कहा कि हजरत अली ये फरमाते हैं, लेकिन मुहद्दिस कह दे कि लम युदरक अल अलियन के उसने हजरत अली को नहीं देखा, तो ये मुनक़िता की दलील होती है. या कोई मुहद्दिस कह दे कि लम युस्मा के उसने हजरत अली से नहीं सुना, लम युस्मा मिन अलियन उसने हजरत अली से नहीं सुना, ये भी मुनक़िता होने की दलील है. या वो कह दे कि लम लिकाइन अलीन के हजरत अली से ने मुलाकात नहीं की, ये भी उसकी मुनक़िता होने की दलील है. ये तो हो गई
जमाने के एतबार से, एक होती है जात के एतबार से, जैसे कि अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के ताल्लुक से ये तो आता है कि वो उस दौर में मौजूद थे जब सहाबा इकराम जिंदा थे, क्योंकि 80 हिजरी में वो पैदा हुए हैं और सहाबा जो थे उस वक्त जिंदा थे, और सबसे आखिरी जो सहाबी हैं अबू वासला बिन तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वफ़ात 110 हिजरी में हुई है, आखिरी सहाबी की वफ़ात 110 हिजरी में हुई है, और अबू हनीफा की जो पैदाइश है वो 80 हिजरी में हुई है। तो यानी उस दौर में अबू हनीफा मौजूद थे जब सहाबा जिंदा थे, लेकिन किसी भी सहाबी से अबू हनीफा का मिलना सुनना और लिका साबित नहीं है। यानी एक तो ये होता है कि उस जमाने में सहाबा हों, अनस बिन मालिक भी मौजूद थे और दीगर सहाबा, लेकिन ना अबू हनीफा ने अनस बिन मालिक से सुना, ना ही मुलाकात की, लम युदरिक, और ना ही उनको देखा। तो ये हो गई जमाने के एतबार से अबू हनीफा का मुनक़ता होना। इसलिए हम कहते हैं कि अबू हनीफा ताबई नहीं है, ये ज़रूर है कि सहाबा के दौर में वो पैदा हुए थे, लेकिन उनका ना मुलाकात उनसे साबित सहाबा से, ना सुनना उनका साबित सहाबा से, और ना ही लिका साबित उनका। तो ज़माने के एतबार से ये होती है ज़ईफ। एक होती है तारीख़ के एतबार से हदीस का मुनक़ता होना, वो इंशाल्लाह मैं आगे मिसाल से समझाता हूँ। पहले जानते हैं कि इमाम इबन कसीर रहिमहुल्लाह क्या फरमाते हैं। इमाम इबन कसीर कहते हैं कि मुनक़ता हदीस वो हदीस है जिसकी सनद से कोई रावी साकित हो जाए, यानी स्किप हो जाए, मिस हो जाए, या उसमें कोई मुबहम यानी अननोन रावी का जिक्र किया गया हो, या तो गायब हो जाए या स्किप हो जाए, या ऐसा रावी जिसका नाम वाजे ना हो, नाम वाजे ना हो, मुबहम हो, इस तरह हो, हद्दसना रजुलन के एक आदमी से सुना, या ये कहे हद्दसना फलानुन या फुलानन के फला आदमी से सुना, या ये कहे कि हद्दसना सिकातुन इसके सिका से सुना, अब वो सिका कौन है पता नहीं, तो ये अननोन होता है, तो इस तरह से मुनक़ता सनद हो जाती है। तो इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि मुनक़ता हदीस वो है जिसमें रावी गायब हो बीच में से, या फिर शुरू से, या फिर लास्ट में, कहीं से भी गायब होगा तो वो इनकता होगा। उसकी चले मिसाल दे देते हैं, ये सनद है आपके सामने। हद्दसना बशर बिन मूसा, हद्दसना अब्दुलरहमान अलमुनकी अलमकरी, हद्दसना इब्न लहियता कला, हद्दसना अबू हुबेरा अब्दुल्ला बिन हुबेरा अन हबीब बिन मुसलमा। देखें क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी गिरोह जमा नहीं होता कि उनमें से कोई, आवाज कटी है दोबारा आबादी है। जी, आइए। देखें ये हदीस की सनद है कि हद्दसना बशर बिन मूसा, हद्दसना अब्दुलरहमान अलमकरी, हद्दसना इब्न लहिया दकाला, हद्दसना अबू हुबेरा अब्दुल्ला बिन हुबेरा था अन हबीब बिन मुसलमत अलफहरी अलमरफूअन। ये सनद है पूरी, ये पूरी सनद है जिसकी हदीस का मतन ये है कि कोई भी गिरोह, अल्लाह के रसूल फरमाते, कोई भी गिरोह जमा नहीं होता कि उनमें से कोई शख्स दुआ करता है, बाकी सारे लोग आमीन कहते हैं, मगर अल्लाह ताला उनको उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। यानी यहाँ इज्तिमाई दुआ की दलील है कि जब सब लोग जमा होते हैं तो एक बंदा दुआ करता है, पीछे लोग आमीन कहते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है। यह है मौजबल कबीर के अंदर यह हदीस आई है और मुस्तदरक हाकिम में यह हदीस आई है। तो क्या यह हदीस सही है, तो इसको हम जानते हैं। देखें इस हदीस की सनद मुनक़ता होने की वजह से ज़यीफ़ है, क्योंकि हबीब बिन मुसलमा अल-फ़हरी और अबू हुबेरा, जिनका पूरा नाम उबैदुल्ला बिन हुबेरा बिन असद बिन कहलान अस-सबई अस-सबई अल-हज़रमी अबू हुबेरा मिस्री रहीमहुल्लाह के दरमियान इनक़िता है। देखें ये रावी है ना, ये हुबेरा, जिनका नाम है अबू हुबेरा, और अबू हुबेरा बयान किससे कर रहे हैं, हबीब बिन मुसलमा से। अबू हुबेरा ने हबीब बिन मुसलमा से बयान किया, तो हम इनकी तारीख देखते हैं। देखें हबीब बिन मुसलमा जो हैं, जिनसे अबू हुबेरा बयान कर रहे हैं, हबीब बिन मुसलमा की जो वफ़ात हुई है, डेथ हुई है, वो 42 हिजरी में हुई है। किसकी? हबीब बिन मुसलमा की डेथ 42 हिजरी में हुई है। और जो इस यानी हबीब बिन मुसलमा से जो हदीस को बयान कर रहे हैं, उनकी जो पैदाइश हुई है वो 41 हिजरी में हुई है। यानी जब अबू हुबेरा ने
हबीब बिन मुसलमा से हदीस को सुना तो उस वक्त अबू हुबीरा की उम्र जो है वो 1 साल थी, यानी 42 हिजरी में हबीब बिन मुसलमा वफात पा रहे हैं और 41 हिजरी में अब्दुल्ला बिन हुबीरा जो है, जिनको अबू हुबीरा कहा जाता है, वो पैदा हो रहे हैं। यानी 1 साल की उम्र में ये बच्चा कैसे हबीब बिन मुसलमा से हदीस को सुन सकता है? आसान करते हैं, देखें, ये हैं अबू हुबेरा। अबू हुबेरा हदीस किससे सुन रहे हैं? हबीब बिन मुसलमा अल फहरी, उससे सुन रहे हैं। अब अबू हुबेरा 41 हिजरी में पैदा हुए हैं और हबीब बिन मुसलमा जो हैं वो 42 हिजरी में मरे हैं। जब ये हबीब बिन मुसलमा मर रहे थे, यानी वफात हो रही थी इनकी, तो उस वक्त अबू हुबेरा की जो उम्र थी वो 1 साल थी। तो 1 साल के बच्चा तो अभी दूध भी नहीं छोड़ता, तो वो हदीस कैसे सुन लेगा? तो इसको हम कहते हैं कि तारीख के एतबार से मुनक़ता है, क्योंकि जब 1 साल का बच्चा मुमकिन ही नहीं है कि हदीस सुन ले, तो इसको कहते हैं कि तारीख के एतबार से मुनक़ता। तो इसको कहते हैं हदीस मुनक़ता, तारीख के एतबार से। और ज़माने के एतबार से मैंने बता दिया आपको कि उस ज़माने में चाहे वो मौजूद हो लेकिन उससे समा, मुलाकात और देखना साबित ना हो तो हदीस ज़ईफ़ होती है, इसको मुनक़ता कहते हैं। उसको मुनक़ता कहते हैं। हदीस हसन किसको कहते हैं? हदीस हसन जो है सिफत मुशब्बा का सीगा है। हसन लफ्ज़ हसीन से निकला है, हसीन यानी आवाज खूबसूरत। तेज है भाई, मुझे भी आपकी आवाज कट रही है हाँ, अब आ अभी। रही है, जी आ रही है, रुको मैं दोबारा। अब आ रही है ना? ठीक, बीच बीच में थोड़ा सा कट जा रहा है, उसके बाद तो आ ही जाएगा। हाँ, अब बताइए अगर आ रही हो तो। अब ठीक है ना भाई? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, अब आते हैं हदीस हसन की तरफ। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि सही हदीस की जो है 5 शराइत हैं। अगर उन 5 शराइत में से एक शर्त स्किप हो जाती है, यानी एक शर्त नहीं मिलती, तो वो सही हदीस की कैटेगरी से निकलकर हसन हदीस की कैटेगरी में फॉल करता है। और वो क्या है? रावी के हाफिजा खराब होना। सही हदीस की 5 शर्त है, जरा मुझे कोई बताए माइक खोल के। 5 कंडीशंस ऑफ सही हदीस कौन सी थी? चले, आपका हाफिजा भी देख लेता हूँ। वालेकुम सलाम। भाई ये 5 शराइत हैं सही हदीस की, जी जो उसकी हेलो, जी सनद बोलिए। मुत्तसिल हो और सनद मुत्तसिल हो और हदीस शाज ना हो, मालूम ना हो, और हदीस दोबारा से बताइए। आपका नाम बताइए और दोबारा से बताइए, क्या कहा आपने? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या जी नाम है मैं आपका? तोहा, नाम है भाई तोहा। हाँ, बताइए कि सही हदीस के 5 शराइत कौन कौन सी हैं? जी पहली शराइत तो यह है सनद मुत्तसिल हो जी और उसमें मतलब शाज ना हो हदीस, हाँ और मालूल ना हो, जी और अरबी का जो याददाश्त होती है मेमोरी वो हाँ स्ट्रांग हो, मतलब उसमें जी, जब्त, जी, जब्त यानी एक वो जब्त कल्बी, जब्त किताबी होता है, दो तरीके के। और पांचवा पांचवा है आदिल होना। आदिल होना। देखें, 5 कंडीशंस हैं। पहली जो शर्त है सही हदीस की वो ये है कि सनद मुत्तसिल हो, यानी कंटिन्यूस चेन हो। अब अगर उस कंटिन्यूस चेन के अंदर मुत्तसिल में कोई सनद में गायब हो जाता है तो वो मुनक़ता हो जाती है, वो मुत्तसिल नहीं रहती फिर। यानी अगर उस सनद में से जो मुत्तसिल है उसमें से कोई रावी स्किप हो जाता है ज़माने के एतबार से या फिर तारीख के एतबार से, जो अभी हम बताए हैं, तो वो सनद मुत्तसिल नहीं रहती, फिर वो मुनक़ता हो जाती है। मुत्तसिल की जो अपोजिट है वो मुनक़ता है। ठीक, मुत्तसिल उसको कहते हैं जिसकी सनद में ना तो इरसाल यानी मुरसल हो और ना ही वो मुनक़ता हो, उसको मुत्तसिल सनद कहते हैं।
दूसरी शर्त ये थी कि रावी आदिल होना चाहिए, यानी सच्चा होना चाहिए। तीसरी शर्त ये थी कि रावी का जब्त जो है मजबूत होना चाहिए, जब्त यानी मेमोरी उसकी। और जब्त दो तरह का होता है, जब्त किताबी यानी किताब से उसने लिखा है उसमें लिख दिया याद करने के लिए, और जब्त कल्बी यानी उसके दिल में उसको याद किया है। तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त यह है कि हदीस शाज नहीं होनी चाहिए, शाज हम पढ़ चुके हैं। पांचवी शर्त थी हदीस मुअल्लल नहीं होनी चाहिए, मालूल जिसको कहते। तो ये पांच शर्त सही हदीस की थी। अब इस पांच शर्त में से एक शर्त को गायब कर दीजिए जो है रावी का जब्त यानी मेमोरी। अगर रावी का जब्त कमज़ोर हो जाता है तो वो सही हदीस की कैटेगरी से निकलकर हसन हदीस की कैटेगरी में पहुंच जाती है, उसको हसन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि हसन हदीस किसको कहते हैं तो कहिए हसन हदीस कहते हैं जिसकी सनद में रावी का जब्त कमज़ोर हो जाता है। अगर जब्त सही होगा तो वो सही हदीस हो जाएगी, जब्त कमज़ोर होगा यानी मेमोरी हाफिज़ा तो वो हदीस हसन हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं, लुगवी एतबार से हसन का जो माना होता है वो होता है जमील खूबसूरत। खूबसूरत को कहते हैं हसन। रब्बना आती ना फिर दुनिया हसन, अल्लाह तो मेरी दुनिया खूबसूरत बना दे, वो फिल आखिरती हसना, और हमारी आखिरत भी बेहतर बना दे, खूबसूरत बना दे, वाकिन अजाब नार, और हमें अजाब से बचा। तो हसन का माना होता है लुगवी एतबार से खूबसूरत, लेकिन इस्तेलाह में हदीस हसन वो हदीस है जिसके रावी में सिर्फ जब्त नाकिस हो जाता है लेकिन सही हदीस की तारीफ में बयान करदा जुमला शराइत मौजूद होते हैं। यानी जो सही हदीस में पांच शराइत होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं हसन में, लेकिन सिर्फ एक मौजूद नहीं होता, वो होता है जब्त। तो इस वजह से ये हसन हो जाती है। मिसाल हद्दसना अबू हुमैद हद्दसना अबी अहमद बिन हम्बल हद्दसना अफ़ान बिन मुस्लिम हद्दसना जाफिर बिन सुलेमान हद्दसना अबू तैयह यजीद बिन हुमैद क़ाला सअल रजुल अब्दुर्रहमान बिन खनीश मरफूअन। तो ये जो है अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, और इसमें क्या है कि मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह पकड़ता हूँ जिनसे कोई अच्छा और कोई बुरा आगे नहीं गुजर सकता, पर उस शर से जो उसने पैदा किया है, गड़ा है और आगे फैलाया है, और उस चीज़ के शर से जो आसमान से उतरती है, यानी अल्लाह के रसूल ये दुआ हमको सिखा रहे हैं। इस हदीस के सारे रावी सिका हैं, हदीस के सारे रावी सिका हैं, मगर उनमें से एक रावी का हिफ्स यानी जो जब्त है वो कमज़ोर है, जिसका नाम है जाफर बिन सुलेमान। जाफर बिन सुलेमान जो सदूक है। अब सदूक और सिका में कोई फ़र्क बताए ज़रा मुझको। आपने शाज वाली हदीस उस चैप्टर में पढ़ा होगा, सदूक और सिका में क्या फ़र्क है? कौन बताएगा? आवाज़ आ रही है ना, आवाज आ रही है ना शोएब भाई? जी 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 आ रही है, आ आ रही रही है। क्या इसमें फर्क है? 90% अगर रहेगा तो सदूक और 100% रहेगा तो सिका। ये किसने कहा, नाम क्या है वो मतलब आपने आपका? बताए थे कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे कि 90% होगा तो सदूक होगा और 100% मतलब सिका। हाँ, आपका नाम? शारिब ठीक है, देखिए शारिफ भाई ने सही बताया कि अगर किसी का हाफिज़ा 100% होगा तो वो रावी सिका होगा। अगर उसका हाफिज़ा 90% यानी 10% जो है वो नाकिस हो जाएगा तो वो रावी सिका यानी सच्चा तो होगा लेकिन वो सदूक कहलाएगा। सिका और सदूक में सिर्फ हाफिज़े का फ़र्क है। जिसका हाफिज़ा 90 है तो उसको सदूक कहेंगे, जिसका हाफिज़ा 100% है उसको सिका कहेंगे। अब उसूल ये है कि सिका के मुकाबले में सदूक की रिवायत को, अब बताइए लॉजिकली क्या कहता है, अगर कोई सिका एक जगह हो और सदूक एक जगह हो तो किसकी बात मानी जाएगी, मानी सिका जाएगी की या सिका सदूक की की? सदूक सिका की सिका की मानी जाएगी, लॉजिकली भी यही बता रहा है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि ये हदीस के सारे रावी सिका हैं सिवाय एक के, जिसका नाम है जाफर बिन सुलेमान। जाफर बिन सुलेमान जो है इसका हाफिज़ा 90% है। तो अगर इसका हाफिज़ा 100% होता तो ये हदीस हसन होती या सही होती? सही होता। सही होती। तो अब आपको समझ आया कि हसन में और सही में ये
फर्क है। लेकिन क्या हसन हदीस काबिल एतबार होती? हाँ जी बिल्कुल काबिल एतबार होती है, काबिल एतबार होती है, ज़ईफ़ नहीं होती। इंशाल्लाह कल हम जानेंगे कि ज़ईफ़ हदीस किसको कहते हैं। आज के लिए इतना ही, और ज़ईफ़ हदीस की मिसाल, फिर ज़ईफ़ हदीस की किस्मों के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोक दीजिए।